अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सूरतुत्तकासुर आयत नंबर 1-2। तुम्हें गफलत में डाल रखा है ज्यादा से ज्यादा माल समेटने जमा करने की ख्वाहिश हवस ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। मौजज़े तो तब होते हैं जब हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होते हैं। दूसरों को दर्स देने वाला लड़का खुद एक नामहरम की मोहब्बत में तबाह हो चुका होता है। वफादार मर्द कभी भी औरत को मिलने का नहीं कहेगा, चाहे वो पब्लिक प्लेस पर ही हो। वो इन अल्फाज में बात मुकम्मल कर देगा कि मुझे आपकी इज्जत ज़्यादा अजीज है। नामहरम को छूना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए ये बेहतर है कि उसके सर में लोहे के कील ठोंक दी जाए बजाय उसके कि वो किसी नामहरम को छुए। जवानी में शादी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जवानी में निकाह कर लेता है तो शैतान चीख उठता है, हाय अफसोस, इसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। सुबह जल्दी सिर्फ 4 चीज़ें उठाती हैं, मोहब्बत, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार नहीं बल्कि ज़रूरत का पुजारी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि तुम जितनी उन्हें इज्जत दोगे वो उतनी तुम्हें तकलीफ देंगे। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में होती हैं उनका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। तवील है मसाफत मगर मंजिल का यकीन है, आजमाइश सख्त मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्तों से मत डराओ ऐ दुनिया वालों, मैं जिसके आस पास हूँ वो रब करीम है। जब अल्लाह राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। इंसान सख्त मिजाज उस वक्त बनता है जब उसकी नरम मिजाजी का बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा चुके होते हैं। तकरीबन 18,000 मखलूकात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है, कोई मखलूक भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। माँ की एक आदत खुदा से मिलती है, दोनों ही माफ़ कर देते हैं। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है, रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं,